बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मेरे बहन भाई मुझे देखने वाले हैं, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू कर रहे हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ हलवा पूरी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो है आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर मिलता रहे। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा ऑन कर लेते हैं, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये डाल दूँगी, इसको लहर वाला हूँ। प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। जी, तो प्याज मेरी यहाँ पर ब्राउन हो चुकी है। अब मैं डाल दूँगी टमाटर की प्योरी, जो मैंने कद्दूकश करके दो टमाटर क्रश कर लिए थे। तो टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, आधा टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, एक चम्मच नमक, एक टी स्पून मैं डालूंगी जीरा, और ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, ये मैं डालना भूल गई थी पहले। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। इसकी भुनाई कर लेते हैं। मसाला जो है ऑयल छोड़ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी छोले, जो कि मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल के इनको बॉईल कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी इसमें। अब इसको ढक के पकाएंगे
पानी पक जाए, हल्की सी ग्रेवी बन जाए इसकी जी। तो वहाँ हमारे छोले पक रहे हैं और यहाँ हम सूजी बनाएंगे। पतीली चूल्हे पर रखी हुई है, चूल्हा ऑन करते हैं। ये मैंने लिया है एक प्याली घी, ऑयल नहीं है, घी है, ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गरम होगा तो फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी सूजी। जितना मैंने घी लिया था उतनी मैंने सूजी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा भून लूंगी। यहाँ पर हमारी सूजी फ्राई हो रही है और यहाँ छोले हमारे उबल रहे हैं। जी तो देखें, सूजी को जो है मैंने 5 से 6 मिनट बल्कि 7-8 मिनट मैंने फ्राई कर लिए हल्की आंच पे, तो ऑयल बिल्कुल भी इसने छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी, जो कि चूल्हा बंद करके डालूंगी, वरना घी ना गर्म होते तो इसमें से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। ये मैंने लिया है एक प्याली, आधी से थोड़ा सा आधी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया है, फूड कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम पकाएंगे ढक के। एक प्याली मैंने आल लिया था, एक प्याली सूजी और एक प्याली मैंने चीनी ली है, वो तो तीनों चीज़ें मैंने बराबर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दूँगी अब। ये मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली है 1-1.5 चम्मच, ये कुछ बादाम है, हरी इलायची है, ये डालूँगी। चीनी का पानी खुश्क हो गया, अब इसको मैं ढक दूंगी हल्की आंच पे 5-10 मिनट, दम लगा दूंगी। यहाँ पर सूजी ने जो है ऑयल छोड़ दिया, अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। 5 मिनट में दम लगा इसको ढक दूंगी, चूल्हा इसका बंद करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं छोले। छोले भी हमारे पक गए हैं, चूल्हा बंद करते हैं और अब बनाएंगे पूरियाँ जी। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ तैयार करूँगी, छोटे छोटे पेड़े लेके इस तरह से, छोटी बड़ी आपकी मर्जी, जैसे बनाना चाहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं दूसरी भी डाल दूंगी। बस 3-4 सेकंड के लिए मैंने इसको सेका है, वरना ज्यादा गोल्डन हो जाएगी ये। जी तो देखें, हलवा पूरी हमारा बनकर तैयार है। अभी आप भी इसी तरह बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगर कोई कमी कोताही है तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। और देखें इतनी अच्छी सॉफ्ट नरम पूरियाँ बनी हैं, ये देखें माशाल्लाह।